हमारे क्षेत्र के ग्राम ढकिया नरू में आगामी 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान कुंभ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे सभी किसानों को संबोधित करने का काम करेंगे। इसी को लेकर प्रशासन लगातार सख्त दिखाई दे रहा है। आज जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी देहात संदीप कुमार मीणा, उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह आदि अधिकारियों ने पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने हेलीपैड व चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अलावा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के साथ साथ सभी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनके कार्यक्रम के लिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। इस दौरान भारी संख्या में सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बिलारी से सुमित चौधरी की रिपोर्ट। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ढकिया नेहरू, यहाँ पर 23 तारीख को उनके आने का प्रोग्राम है। 12:30 बजे यहाँ पर आएंगे और 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो उसके संबंध में जो भी तैयारियाँ थी उसका यहाँ पर हम लोगों ने अभी पर्यवेक्षण किया है, तो सभी प्रकार की तैयारियाँ ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं और समय रहते ही हम लोग पूरी तैयारी करा लेंगे। नहीं, हाँ, लेटर हमारे पास कल से आ गया है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया है यहाँ पर, और सूचना तो हमें परसों ही मिल गई थी लेकिन कल लिखित भी आ गया है। कि आप सभी को जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 23 तारीख को यहाँ पे इस ग्राम में एक तो स्टैचू का जो अनावरण किया जाएगा और दूसरा यहाँ पे किसान सम्मेलन किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है और हम लोग पूरी तैयारी इसमें कर रहे हैं। और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस बल है उसकी हमने जनपद से और जो बाहर से हमारे रेंज और जो जोन से डिमांड कर ली गई है, और इसके लिए पूरे कार्यक्रम के लिए हम लोग करीब इसमें 7 एडिशनल एसपी लगा रहे हैं और करीब 34 लोग इसमें डिप्टी एसपी रैंक के लोग लगा रहे हैं और बाकी जो इंस्पेक्टर थाना प्रभारी, और ये कुल मिला के काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया जाएगा और इसकी कल यहाँ पे ब्रीफिंग होगी तो तब आपको पूरा डिटेल में इसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पार्किंग चूँकि यहाँ पर ये देहात क्षेत्र का कार्यक्रम है तो यहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो खेतों में की गई है, और इसके अलावा जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ पे कुछ पार्किंग स्थल यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं। तो एक सुसज्जित तरीके से यहाँ सारे कार्यक्रम है उसको कराया जा रहा है, सारी साफ सफाई यहाँ पे हो गई है, सारा लेआउट प्लान बन गया है, जो कार्यक्रम स्थल का जो पंडाल कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे मंच बनेगा और हेलीपैड है वो भी यहीं पे बनाया जा रहा है। तो सारी जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोग पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस कार्यक्रम को कराने के लिए सभी लोग इसमें।